नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश, कार ड्राइविंग स्कूल रजौरी दिल्ली से। आज हम बात करने जा रहे हैं गियर कैसे लगाएं। यहां पे आप राइट साइड में देख रहे होंगे गियर का एक सिंबल बना हुआ है। जब भी आप गाड़ी में बैठते हो एक बार गियर को लेफ्ट में और एक बार राइट में करके देख लीजिए। अगर लेफ्ट में जा रहा है और राइट में गियर जा रहा है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, इधर हो गया और एक इधर हो गया राइट में, तो अगर दोनों तरफ आपका गियर मूव कर रहा है इट मीन्स गियर न्यूट्रल में है। अगर गियर किसी 1 2 3 4 5 या रिवर्स किसी गियर में डला हुआ है तो आपका लेफ्ट राइट नहीं होगा, या तो अप होगा या तो डाउन होगा। तो न्यूट्रल करने के बाद आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करें, तो इन बातों का ध्यान रखना है गियर चेंज करते समय। आइए अब बात करते हैं, उससे पहले कुछ बेसिक है इसका ध्यान रखें। सबसे पहली चीज़, क्लच को पूरा दबाकर और एक्सेलेटर से पैर हटाकर ही गियर बदलें। विदाउट क्लच दबाए, बिना क्लच को पूरा प्रेस किए आपको गियर चेंज नहीं करना है, और जैसे ही आप क्लच दबाते हैं एक्सेलेटर से पैर हटा लेना है। क्लच को पहले पूरा दबाना है और एक्सीलेटर से पैर हटा लेना है, ठीक है। सेकंड, गियर बदलने के बाद धीरे से क्लच को छोड़िए और एक्सीलेटर धीरे धीरे दबाएं। जल्दबाजी नहीं करना है गाड़ी चलाते समय, एकदम फील करके क्लच को छोड़ना है फर्स्ट और रिवर्स गियर में। और एक्सीलेटर जैसे गाड़ी मूवमेंट करती है तो सिचुएशन के हिसाब से आप एक्सेलेट कर सकते हैं धीरे धीरे फील करके, जल्दबाजी में नहीं। अब आते हैं गियर शिफ्टिंग के लिए। पहला गियर, फर्स्ट गियर डालने के लिए आपको गियर को लेफ्ट में लेके जाना है, लेफ्ट में ले जाके ऊपर, जैसे कि अभी यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है। फर्स्ट गियर के लिए ये बीच में है, जब न्यूट्रल रहता है तो थर्ड और फोर्थ के बीच में न्यूट्रल रहेगा, तो लेफ्ट में लेके जाएंगे वहाँ पे एंड हो जाएगा। लेफ्ट में जाने के बाद ऊपर करेंगे तो फर्स्ट गियर, उसके बाद सेकंड गियर चेंज करने के लिए गाड़ी चल रही है आपकी, रनिंग में आ गई है 10-15 के आसपास, जब 15 के समथिंग आपकी स्पीड पहुँच जाए फिर लेफ्ट में जाके डाउन करेंगे सेकंड गियर। लेफ्ट में दबाए दबाए नीचे की तरफ खींचना है गियर को। अगर आपने हल्के हाथ से गियर को नीचे की तरफ लिया, अपनी तरफ खींचा, तो क्या होगा, न्यूट्रल पे आते ही ये थर्ड और फोर्थ के बीच में भाग जाएगा, फोर्थ गियर लग जाएगा, तो गाड़ी झटका देगी और गाड़ी बंद भी हो जाएगी झटके मार के। तो इसलिए लेफ्ट साइड में गियर को दबा के रखें, लेफ्ट में दबाए दबाए नीचे खींच के लाना है। ये होगा सेकंड। उसके बाद थर्ड गियर जाने के लिए हल्के हाथ से सेकेंड गियर को न्यूट्रल पर करना है। जैसे न्यूट्रल पर आप करेंगे इसको छोड़ दीजिए, ये अपने आप ही भाग के आएगा थर्ड और फोर्थ के बीच में। जैसे ही थर्ड फोर्थ के बीच में गियर आता है इसको ऊपर की तरफ कर देना है, ऊपर हो गया आपका थर्ड गियर, और फिर वापस हल्के हाथ से आप नीचे लाएंगे तो दोबारा से न्यूट्रल होगा, फिर दोबारा और नीचे लाएंगे तो फोर्थ गियर होगा। बहुत सिंपल है। फोर्थ से वापस हल्का सा आगे करेंगे तो न्यूट्रल, फिर राइट साइड में जाके ऊपर की तरफ फिफ्थ गियर है, उसके बाद फिर वापस हल्के हाथ से नीचे लेंगे फिर ये न्यूट्रल होगा। और रिवर्स गियर डालने के लिए सिंपल है, राइट साइड में जाके डाउन कर देना है, ये हो गया आपका रिवर्स गियर। फिर वापस हल्के ऐसे ऊपर करेंगे तो न्यूट्रल पे आएगा, छोड़ देना है, ये बीच में आ जाएगा। फिर आप लेफ्ट राइट एक बार करके चेक कर लीजिए कि न्यूट्रल है या नहीं है। किसी गियर में होगा तो लेफ्ट राइट नहीं होगा, तो हल्के हाथ से चेक करना। अगर लेफ्ट राइट नहीं हो रहा है इट मीन्स किसी गियर में डला हुआ, तो क्लच को पूरा दबाए दबाए इसको पहले आप न्यूट्रल कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।